इतना स्पीड सॉल्व है, कोई अलग से कोई नॉइज नहीं। देख रहे आप लोग, ध्यान से सुनना, कितना मीठा प्यारा सा साउंड है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक बाइकर। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे हो गए, बिल्कुल सेफ हो गए। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि होम टाउन जाऊंगा तो 20 साल पुरानी अपनी बाइक पे रिव्यू करूंगा, बताऊंगा उस समय की बाइकों की पेंट क्वालिटी और साउंड और जितने पार्ट्स वगैरह आते थे ना वो कितने तगड़े हुआ करते थे। आजकल तो भाई PPF, लेमिनेशन, सेरेमिक कोटिंग और क्या क्या चल रहा है। तो पीछे स्प्लेंडर प्लस खड़ी है और अप्रॉक्स मान के चलो 20 साल हो चुके हैं उसको, इस साल मतलब 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अब भाई लोगों को बिलीव तो होगा नहीं, तो मैं वो डाल दूंगा, कह देते हैं RC की फोटो डाल दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। अब जल्दी से बाइक दिखाता हूँ और कंडीशन दिखाता हूँ मेन चीज़ बाइक की। सो भाई ये 100 CC की बाइक है और जो मतलब 90s किड है उनको पता होगा। तो भाई सबसे पहले जब ये बाइक आई थी मतलब इतना नाम था इस बाइक का और अभी भी नाम है, अभी भी सेल के मामले में मतलब कोई तोड़ नहीं इसका, इतनी ज़्यादा सेल होती है। बट ये बाइक दिखाने का मेन मतलब क्या है, एक PPF लेमिनेशन आप लोग सोच रहे होगे आजकल चल रहा है, कोटिंग चल रही है, सिरेमिक कोटिंग चल रही है। तो मैं ये बाइक दिखा रहा हूँ जो 20 साल पुरानी थी, इसमें आज तक ना लेमिनेशन हुआ है ना सिरेमिक कोटिंग है। पहले ये लखनऊ में थी, फिर ये मेरे होम टाउन में आ गई। और मेन चीज़ देखो, इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी इतनी तगड़ी है ना भाई, नेक्स्ट लेवल है। आप लोग मतलब बिलीव नहीं करोगे, बट जो सच है मैं आपको वही बताऊँगा। सबसे पहले देखो इसका फ्यूल टैंक देखो, अभी थोड़ी सी बाइक गंदी है, पॉलिश करोगे तो एकदम चमक जाएगी। देखो फ्यूल टैंक इस बाइक का, आप लोग पीछे देखो मतलब पूरा देखो, पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है तो भाई उसके लिए सॉरी, गांव पे हूँ तो आप लोग समझ सकते हो थोड़ा सा सीन। तो भाई देखो इसका फ्यूल टैंक देखो, आप लोग पास से भी दिखाता हूँ, स्क्रैचेस वगैरह देखो हल्के से भी पता नहीं, मतलब एकदम जरा जरा से पता चल रहा है। पॉलिश वगैरह करोगे ना अभी एकदम गंदी है, पॉलिश वगैरह करोगे एकदम चमक जाएगी। अब ये 20 साल पुरानी टंकी है, 20 साल पुराना पेंट है, ये देखो अभी तक ये स्टीकर है ये सब इस पे के गायब हो चुका है, जो जो लिखा हुआ करता था सब कुछ गायब है। ये मिरर भी इसके 20 साल पुराने हैं। ये पूरा आपका केबल कह रहा हूँ क्लच, ये 20 साल पुराना। ये हैंडल इसका ये देखो, ये 20 साल पुराना है। ये जितना ये पार्ट देख रहे हो, ये मीटर देख रहे हो, ये सब 20 साल पुराना है। 96,000 चली है, मीटर वगैरह ख़राब हो चुका था। और ये जो आप बिडिंग देख रहे हो ना, ये इसकी ये भी पुरानी है, ये पहले हुई थी और आज तक ये चली है। पहले ये उस गोल्डन थी, अब ये सिल्वर हो चुकी है। और ये सब पूरा ये जो पेंट देख रहे हो ये भी सब, ये आई थिंक शायद रीपेंट हुआ है शायद, ये पूछ रहे तो पेंट हुआ है क्या, ये पेंट हुआ है, पेंट ये एक बार पेंट हुआ है। देखो जो चीज़ जेन्युइन थी मैंने आपको वो बता दिया कि ये पेंट हुआ है, टंकी नहीं हुई है ना, टंकी पेंट नहीं हुआ। देखो ये चीज़ पेंट हुआ था, ये मुझे लगा भी यहाँ से। और इसीलिए देखो ये पेंट हुआ है ना, तो इसकी क्वालिटी आप लोग देखो थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगेगी कहीं कहीं पे, आई होप दिख रहा होगा, अंधेरा हो चुका है थोड़ा सा। बट इसका पेंट देखो ये पुराना है, इस पर कोई भी पेंट नहीं हुआ है, अभी गंदी है, देख लो साफ करूँगा तो देखो यहाँ पर साफ दिख रहा होगा आपको। तो ये पुराना है, सॉकर्स वगैरह सब पुराने, अलॉय व्हील्स देख रहे हो, ये 20 साल पुराने अलॉय व्हील्स हैं, अभी भी चल रहे हैं। अगर अभी भी आप इसको वॉश कर दो और एकदम अच्छे से पॉलिश वगैरह लगा दो, एकदम चमक जाएंगे। इंजन सब वही देखो कितना गंदा है, तो पूरी बाइक अभी गंदी हो रखी है। एग्जॉस्ट मतलब साइलेंसर, 20 साल पुराना साइलेंसर लगा हुआ बाइक में, आप लोग चेक करो, ये देखो ये उसी समय का साइलेंसर है, ये पुराना ये भी है। देखो इसका पेंट जा चुका है, एकदम जा चुका है और गंदी भी है। ये सब देख रहे हो, ये देखो साइन देखना है यहाँ पे। यार थोड़ा सा जल्दी जल्दी में था ना मैं, क्योंकि मुझे कहीं जाना था तो वॉश वगैरह नहीं करा पाया। और इंडिकेटर ये 20 साल पुराने हैं, मतलब पहले की क्वालिटी देखो आप लोग यार, मतलब क्या क्वालिटी हुआ करती थी। अभी तक मतलब बाइक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अब चैन इस पॉकेट वगैरह और क्लच केबिल ये तो नॉर्मल सी चीज़ें, ये टाइमली चेंज होती हैं, बट बॉडी का पार्ट वो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है अभी तक। ये देखो आप लोग, स्टीकर से हल्का सा यहाँ से पहले अलग था, हल्का सा पेंट डल हुआ है, जैसे ये गोल्डन हुआ है ये है, तो ये हल्का सा मुझे लग रहा है डल हुआ है। अब भाई 20 साल पुराना मुझे भी याद नहीं है कि डल हुआ है कि नहीं, बट हल्का सा डल लग रहा है। बट इसका पेंट की क्वालिटी देखो, ये देखो देख रहे हो आप लोग, ये देख रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि 20 साल पुरानी बाइक अगर वॉश करके मैं पॉलिश करके आपको दिखाऊँ,
ये देखो ये भी सब 20 साल पुराना है, तो ये देखो हल्का सा हटा है। तो अब देखो 20 साल पुरानी बाइक, ना लेमिनेशन, ना सिरेमिक, ना पीपीएफ, कुछ भी नहीं, बिल्कुल एक रॉ बाइक है। और कितनी अच्छी कंडीशन में है, अभी मैं सोचूं अभी लखनऊ जाऊंगा तो इसका फिर से, मतलब अभी 20 साल हो चुके हैं तो अभी मुझे इसको 25 साल तक कराना है, तो पेपर वर्क कराना है, तो अभी लखनऊ जाऊंगा तो मैं कराऊंगा। तो आप लोग खुद सोचो, ये भी इंडिकेटर देखो, ये सब 20 साल पुराने, अभी ये थोड़ा सा लड़ गई थी, तो ये पोर्शन देखो इसका थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। ये लेग गार्ड भी 20 साल पुराना है जो बाइक के साथ आया था। इंजन वगैरह में देखो कुछ भी, केसिंग वगैरह कहीं भी चेंज नहीं की गई, ये किक वही है, ये सब चीज़ें वही हैं। मतलब कहीं भी जितना देख रहे हो आप लोग, बाइक में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एकदम जैसे थी वैसी है, बस मेंटेन करके रखी गई है। पूरा हैंडल देखो, मीटर का कुछ भी देखो, सब वही है। बस यही है ना कि अगर आप बाइक मेंटेन करके रखते हो तो किसी चीज़ की आपको नीड नहीं पड़ेगी। हाँ, हालांकि अब एक चीज़ हो चुका है, अब थोड़ी सी पेंट क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी बेकार आ रही है बाइकों की, कंपेयर टू जैसे ये जब आती थी तभी तो ये चल रही है। और मुझे लगता है ना कि थोड़ी सी पेंट क्वालिटी भी कम है, और इसीलिए थोड़ा सा पीपीएफ वगैरह का तामझाम आया है। वरना भाई आप लोग वीडियो में देख पा रहे हो अभी भी साइन कितनी प्यारी साइन कर रही है। और आप सभी को पता है ये सब वीडियो में कभी ब्राइटनेस कुछ नहीं करता हूँ, एकदम रॉ वीडियो डालता हूँ कि जेन्युइन चीज़ आप लोगों को दिख सके। रिम वगैरह देख लो कितना, मतलब साइन कर रहा है। सोचो वॉश करा के अगर मैं इसको पॉलिश करा दूँ ना, तो किसी को बिलीव नहीं होगा। अभी भी शोरूम पे जाती है ना, अगर धो पोछ के लेके चले जाओ, शोरूम वाले हैरान हो जाते हैं कि भाई ये कैसे। और अभी तक इसके इंजन का पूरा काम भी नहीं हुआ है, हल्का फुल्का कुछ ख़राब हुआ था, तो जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं बस वही हुआ है, जो एक होता है ना इंजन का मेन काम होना, कुछ भी नहीं हुआ है। सोचो कितनी मस्त कंडीशन में, सॉकर वगैरह देखो तो भाई ज़बरदस्त कंडीशन में। और इसीलिए इस बाइक को हम लोग सेल भी नहीं कर रहे। और भाई आप लोग को बिलीव नहीं होगा ना, तो ये देखो नंबर दिखा देता हूँ, ये देखो UP32AY। वैसे तो नंबर देख ही चुके हो यार, कह छुपा रहा हूँ मैं, और देख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सोचो आप खुद ही नंबर की सीरीज से भी पता लगा सकते हो कि किस टाइम आती थी ये 20 साल, मतलब भाई 2003 की ये बाइक है। और बस यही दिखाना था, साउंड सुनाता हूँ भाई, साउंड देखना आप लोग मेन चीज़। उस समय देखो कुछ भी नहीं आता था, सेल्फ वगैरह कुछ भी नहीं, लाइट ऑन ऑफ का ये बटन, ये इंडिकेटर, और तब ऐसे इंडिकेटर जलाओगे तो टीटी का, ओह अभी भी देखो आवाज़ कर रहा है, ये देखो। और भाई देखो सब कितने अच्छे से वर्क कर रहा है देखो, तो भाई अभी भी ये सब चीज़ें एकदम अच्छे से काम कर रही हैं। और अब इसको करते हैं बंद, मेन चीज़ अब बाइक को करते हैं स्टार्ट। भाई एक किक में स्टार्ट हो जाती है ये, देखो ये रही इसकी किक, और इसको करते हैं यहाँ से किक मारते हैं। अरे भाई ये थोड़ा सा दिक्कत है, मैं एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हूँ भाई, बैठ के करना पड़ेगा यार, थोड़ा सा जिसकी सीन है, रुको मैं बैठ तो इसको उतारता हूँ, इस हाथ से मैं करता हूँ। अब देखो ये मैं मारता हूँ किक, एक तो किक मारने की ये देखो ये किक पे होगी, आदत नहीं ना भाई तो थोड़ा सा वो दिक्कत हो जाती है। ये आवाज़ सुनो आप लोग, मेन चीज़ बाइक की आवाज़ सुनो, कितना स्पीड साउंड है, कोई अलग से कोई नॉइज़ नहीं, देख रहे आप लोग ध्यान से सुनना, कितना मीठा प्यारा सा साउंड है। एग्जॉस्ट का साउंड सुनो, अब मैं इसको रैप करता हूँ, ये बस डिग्गी की आवाज आ रही है देखो, वरना इंजन का साउंड सुनो, इंजन से भी ये थोड़ा सा ये ढीला हो चुका है, देखो ये ढीला हो चुका है, तो इसकी साउंड आ रही है। अगर इसको मैं इधर कर दूँ फिर देखता हूँ, इतनी धूल निकल रही है ना भाई, अभी भी इसका साउंड काफी अच्छा है। तो भाई ये होती थी पहले की बाइकों की बिल्ड क्वालिटी, और मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था इस चीज़ पे वीडियो बनाने की। और भाई देखो इसमें क्या ही मतलब स्पेसिफिकेशन बताना, मेन चीज़ थी कि इमोशंस एक फीलिंग वो शेयर करना, और उस समय की बाइक कैसी होती थी ये बताना। ये सब देख रहे हो, ये सब वही पुराना है, ये हेडलाइट, ये टेल लाइट, ये हेडलाइट, मे भी शायद बल्ब चेंज हुआ तो हुआ हो, वरना पता चले ये भी नहीं, ये ग्लास नहीं हुआ है, देख रहे हो हल्का सा पीलापन आ चुका है ग्लास में। तो भाई ये होती थी पहले की बाइकों की बिल्ड क्वालिटी, एक नंबर बिल्ड क्वालिटी होती थी। तब खरीदी थी 45,000 की, अब शायद आ रही है 70-80 हज़ार की, और 2003 में सीधे डबल हो चुकी है।
45 से भी शायद कम ही थी, 42 के आसपास थी, ऐसी कुछ थी ये बाइक स्प्लेंडर प्लस। तभी भी नाम था, अभी भी नाम है, अभी भी सेल के मामले में कोई तोड़ नहीं इसका, इतनी ज़्यादा सेल होती है, माइलेज आराम से अभी भी 60-65 निकाल के देती है। सो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, और अच्छा लगा है मज़ा आई तो प्लीज़ वीडियो पर लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो को दबा के शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।